ये है T900 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच। हाय गाइस, तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे T900 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच की। आई थिंक इससे पहले आए थे T800, सो ये है T900 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच। एंड चलिए पहले हम बॉक्स से इसे बाहर निकाल लेते हैं, और इसमें आई थिंक और भी ज़्यादा में फीचर्स देखने को मिलेंगे। इसकी जो डिस्प्ले का साइज़ वो भी काफ़ी इस समय आई थिंक बढ़ चुका है, 2 इंचेस की इसकी डिस्प्ले आई इस बार। इसमें मेंशन भी देखिए लिखा है 2.09 इंफ्रारेड डिस्प्ले के साथ आती है ये वॉच, और वायरलेस चार्जर के साथ आई है। बिग डिस्प्ले है इसका एंड T900 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच है ये। तो ये इसका बॉक्स है, बॉक्स में भी काफ़ी डिटेल मिल सर, जैसे कि यहाँ पर लिखा है T800 अल्ट्रा स्पेस एल्यूमिनियम के 49mm। आई थिंक जो ओरिजिनल आती है वही 49mm की होती है। एंड इसका जो ऐप का नाम है हाई वॉच प्रो ऐप है, IS 100 दोनों से कनेक्ट हो जाती है वॉच। एंड और भी काफ़ी डिटेल मेंशन है जो कि आप रीड भी कर सकते हैं इस टाइप से कुछ। इसका बॉक्स है और बॉक्स देखने में भी काफ़ी सही लगता है इसका। तो ऐसे लिए बॉक्स में देखते हैं और क्या क्या अंदर है। बॉक्स में हमें मिलता है यूज़र मैनुअल, तो ये इसका यूज़र मैनुअल है जिसको हम रीड भी कर सकते हैं, इसमें काफ़ी डिटेल्स रहती है अबाउट द वॉच। तो यहाँ पर हमें इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाता है यूज़र मैनुअल, एंड यहाँ पर हमें चाइनीज लैंग्वेज देखने को मिलती है। बाकी बॉक्स में देखते हैं और क्या क्या है। यहाँ पर है स्ट्रैप है, वॉच है एंड चार्जर है। तो पहले हम स्ट्रैप देखेंगे, क्वालिटी चेक कर लेते हैं किस टाइप की क्वालिटी है। तो गाइस जो ये स्ट्रैप है ये सिलिकॉन स्ट्रैप है, एंड जो गाइस इसमें लॉक लगा है ये भी मेटल का है। बाकी क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की स्ट्रैप है ये, देखिए इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये फ्लेक्सिबल है एंड काफ़ी स्मूथ, अगर हम पहनेंगे तो मतलब कैसा, जैसे कोई स्ट्रैप होते तो काफ़ी चुभते हैं हाथ में, तो उस टाइप सा कुछ नहीं है, काफ़ी स्मूथ है। बाकी इसका चार्जर है, चार्जर की बात करें तो एक ये वायरलेस चार्जर, एक मैग्नेटिक भी आता है जिसमें पिन लगी रहती है, बट इसमें हमें एक वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाता है। टाइप ए के साथ आता है, USB Type A, जो कि हम नॉर्मल किसी भी चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। पावर बैंक है, PC से किसी से भी कनेक्ट होके ये चार्ज हो जाएगी ईजिली। तो ये इसका चार्जर है। क्वालिटी की बात करें काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसका चार्जर है। एंड गाइस ये है वॉच, वॉच की हम अगर बात करें तो इसमें क्राउन है, एंड पहले हम इसके लेमिनेशन को रिमूव कर देते हैं। ये देखिए, तो ये है वॉच एंड इसमें फ्रंट में भी हमें लेमिनेशन देखने को मिलता है। इसमें है एक्शन बटन, स्पीकर है, ये कॉलिंग वॉच है गाइस, इससे कॉल भी हम कर सकते हैं। एंड इसमें क्राउन है जो कि वर्क करता है, ये देखिए इसका क्राउन है। ये माइक्रोफोन है, पावर ऑफ एंड ऑन बटन भी है। एंड बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी, जो इसका फ्रेम है मेटल का है, एंड देखने में बहुत ही सही लगती है वॉच। इसके बैक में गाइस जो प्रिंट है ये स्क्रू सिर्फ प्रिंट है, ओरिजिनल स्क्रू में देखने को नहीं मिलते हैं। तो पहले चलिए इसे ऑन कर लेते हैं, ये ऑन हो चुकी है, इस टाइप से कुछ ऑन हो रही है। एंड इसमें हमें वॉच फेसेस काफ़ी देखने को गाइस मिलते हैं, देखिए इस पर टैप करेंगे तो ये वॉच फेसेस चेंज भी हो जाते हैं। एंड इस टाइप से कुछ वॉच फेसेस हैं, आई थिंक 5 to 6 टाइप के वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं। इसमें जो बेजल्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा नहीं है, हमें बेजल साइज में देखने को मिल जाते हैं, ये देखिए। बाकी टैप करेंगे तो वॉच फेसेस भी चेंज होते हैं, गैलरी से भी हम फोटो लगा सकते हैं एज अ वॉच फेस अपनी गैलरी से। तो देखने में तो काफ़ी अच्छी लगती गाइस ये वॉच, एंड वेट भी इसका सही है फिलहाल। इसको स्वाइप अप करेंगे तो इसमें हमें और भी काफ़ी फंक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि टॉर्च का है, एंड ये फ्लाइट मोड है, यहाँ से हम इसे ऑन ऑफ ऑन कर सकते हैं फ्लाइट मोड इसका। और भी गाइस इस टाइप के काफ़ी हमें इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं, यहाँ से ब्लूटूथ को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं वॉच के ब्लूटूथ को। बाकी स्वाइप अप करेंगे तो आपको एक्सेस मेन्यू आ जाता है, इसमें भी काफ़ी हमें फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। इसका जो क्राउन है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, काफ़ी स्मूथली इसकी जो डिस्प्ले है वो भी वर्क कर रही है, ये देखिए। एंड अगर हम इस पर स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ से मैनेज स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, स्टाइल सेकंड हम लगा के देखते हैं तो ये है लिस्ट स्टाइल। ये काफ़ी इजी इसका मेन्यू स्टाइल है, यहाँ से हम रीड भी कर सकते हैं ऐप के नेम। एंड अगर और भी हम चेंज करना चाहते हैं तो थर्ड देखते हैं किस टाइप का है, ये देखिए 4 पैलेस टाइप में है। तो इस टाइप के हमें काफ़ी मेन्यू स्टाइल देखने को मिल जाते हैं जो कि हम चेंज कर सकते हैं। फोर्थ में देखते हैं किस टाइप का मेन्यू स्टाइल है। टोटल गाइस इसमें आई थिंक 6 टाइप के मेन्यू स्टाइल आते हैं, तो हम चेक कर लेते हैं कितने मेन्यू स्टाइल हैं। ये फिफ्थ है, ये देखिए सर्कल टाइप में है ये। तो इस टाइप के में काफ़ी इसमें मेन्यू स्टाइल देखने को मिल जाते हैं, एंड तो 6 टाइप के मेन्यू स्टाइल हैं इसमें जो कि हम चेंज कर सकते हैं जो भी हमको सही लगे। एक ये है, इसकी स्ट्रैप लगाना बहुत इजी है गाइस, एंड काफ़ी लोग नहीं लगा पाते, तो बस हमें इससे इस टाइप से कुछ
फिट करने से अंदर की साइड स्लाइड कर देना है, पुश करेंगे स्लाइड करेंगे ये इजीली फिट हो जाता है। इसमें ऑलरेडी पहले से ही लॉकिंग सिस्टम रहता है, इस टाइप से कुछ इसका लॉकिंग सिस्टम है, ये देखिए बस हमें स्लाइड कर देना है, पुश करेंगे फिट हो जाएंगे। और देखने में काफ़ी अच्छी वॉच लगती है, एंड अगर हम पहनने की बात करें तब भी लगता है कि हमने कोई अच्छी वॉच पहनी, इस टाइप से कुछ है। बाकी अगर इसके हम ऐप्स चेक कर लेते हैं तो फर्स्ट में मिलता है डायलर, यहाँ से कॉल कर सकते हैं जब इसके ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे। फ़ोन बुक यहाँ से कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं। इसका गाइड से हार्ट रेट सेंसर है, इसमें कोई भी सेंसर नहीं है, बस ये LED लाइट्स हैं जो कि ब्लिंक हो रही है, बाकी कुछ भी नहीं है। और देखते हैं, देखिए इस टाइप से कुछ और भी हमें मिल जाते हैं। ब्लड ऑक्सीजन का है, एंड ये हेल्थ ट्रिक स्किल है, और ये है BPM का। इस टाइप से हमें काफ़ी हेल्थ के मिल जाते हैं, बाकी कोई भी वर्क नहीं करता प्रॉपरली। एंड इसमें हमें स्पोर्ट मोड्स भी काफ़ी मिलते हैं, इसमें टैप करेंगे तो स्टार्ट हो जाएंगे, और इस टाइप के काफ़ी मिल जाते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी कैमरा इसमें नहीं है, एज अ सेटर यूज़ कर सकते हैं, इसको स्टार्ट करेंगे तो पिक्चर क्लिक कर सकते हैं मोबाइल में। बाकी इसमें और भी मिलते हैं, ब्लड प्रेशर है, म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं मोबाइल का, इसमें भी प्ले कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं वॉच को हम, एंड वेदर यहाँ से हम कनेक्ट हो जाएगा जब वॉच से कनेक्ट करेंगे। बाकी लुकिंग फॉर यहाँ से मोबाइल ढूंढ सकते हैं जब कनेक्ट होगा, एंड यहाँ स्लिप का है, इस टाइप के काफ़ी मिल जाते हैं। मेन्यू स्टाइल यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं हम, ये मैसेज के लिए है। यहाँ से स्टॉप वॉच देखने को मिलती है, स्टार्ट करेंगे एंड पॉज करेंगे, तो इस टाइप से हम स्टार्ट पॉज कर सकते हैं। बाकी इसका QR मिलता है, इसको स्कैन करके इस कैप को डाउनलोड कर सकते हैं। सेटिंग पर जाएंगे तो यहाँ पर चेंज डायल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम वॉच फेसेस को भी चेंज कर सकते हैं, इसमें काफ़ी टाइप के वॉच फेसेस हमें मिल जाते हैं। एंड सीरी यहाँ से गूगल असिस्टेंट एंड सीरी भी ऑन हो जाती है। बाकी अबाउट में देखते हैं क्या है, देखिए यहाँ से वॉच को ऑफ भी कर सकते हैं, T900 लिखा है। एंड यहाँ से हम लैंग्वेजेस को चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेजेस हमें काफ़ी मिल जाती है इसमें, तो चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर बैकलाइट टाइम है, तो यहाँ से हम डिस्प्ले कितनी देर ऑन रखना चाहते हैं, मैक्सिमम 3 मिनट तक रख सकते हैं। एंड और देखते हैं यहाँ से हम ऐप कितनी देर गो बैक टाइम है ऐप के लिए, कितनी देर ऑन रखना चाहते हैं। बाकी इस टाइप के काफ़ी मिल जाते गाइस, तो ये हैं यहाँ गाइस, ये इसकी को भी हम एडिट कर सकते हैं, मतलब कि स्पोर्ट मोड्स एंड और भी काफ़ी मिलते हैं, तो कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जब प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली वही ऐप ऑन हो जाएगा। एंड ये बैक ब्राइटनेस के लिए है, तो ब्राइटनेस यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं आउटडोर इनडोर के लिए, इसके ब्राइटनेस तो काफ़ी अच्छी है। बाकी और भी देखते हैं, जैसे कि इसमें फेसबुक है, जब कनेक्ट करेंगे तो इसमें मैसेज आ जाएगा अगर आप अलाउ करेंगे तब। इसमें गेम है गाइस, ये फाइटर पैलेट, इसमें गेम भी हमें देखने को मिलता है, एंड वॉच में गाइस गेम भी है, प्राइस रेंज के हिसाब से देखें तो इसमें हमें गेम भी मिल जाता है। इस टाइप से हम इसमें गेम भी प्ले कर सकते हैं, फिलहाल इसमें एक ही गेम मिलता है हमें, फाइटर पैलेट गेम है। और हम देखते हैं क्या क्या इसमें, कैलेंडर यहाँ से डायरेक्टली ऐप से भी इसके सेट कर सकते हैं, बाकी सेटिंग से भी, एंड कैलकुलेटर भी है ये देखिए। और भी देखते हैं, यह ब्रीथ के लिए, इनहेलर एक्सहेल के लिए है, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो इस टाइप के हमें काफ़ी ऐप्स इसमें मिल जाते हैं, और काफ़ी अच्छे ऐप हैं, गेम भी है, बिल्ड क्वालिटी एंड ये वॉच काफ़ी अच्छी है। तो गाइस इसे चार्ज करने के लिए आप कोई भी अडेप्टर ले सकते हैं, पावर बैंक से चार्ज कर सकते हैं, PC से भी कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम पहले से चार्ज करके देख लेते हैं। और इसका जो बैटरी बैकअप की बात करें, 1 से 2 डेज का इसकी बैटरी बैकअप है, 2 डेज मान के चलिए अगर आप नॉर्मल यूज़ करेंगे तब। तो आई थिंक ये 1 आवर में फुल चार्ज भी हो जाती है वॉच, तो इस टाइप से कम इसको चार्ज कर सकते हैं। इसके बॉक्स में लिखा है वॉच पर इसका ऐप का नाम है, एंड वॉच में भी हमें QR कोड मिल जाता है, स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं इसके ऐप को। बाकी ऐप स्टोर प्ले स्टोर दोनों पर आप सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है ऐप स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर, तो हम प्ले स्टोर पर जाएंगे, यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। बाकी iOS एंड्रॉयड दोनों से वॉच कनेक्ट हो जाती है, इसे ओपन करेंगे, एग्री करेंगे, एंड लोकेशन एंड ब्लूटूथ गाइस ऑन होना जरूरी है, तभी ये कनेक्ट होगी। सेट पर क्लिक करेंगे, सो पहले ब्लूटूथ एंड लोकेशन को ऑन कर देते हैं। बाकी यहाँ पर गाइस मेंशन है बैंड डिवाइसेस टू एक्सपीरियंस मोर फीचर, इस पर हमको क्लिक करना होगा, अब अलाउ करना होगा। बाकी ब्लूटूथ वॉच का भी ऑन करना पड़ेगा, इस टाइप से हम पहले ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं, एंड अब यहाँ पर गाइस ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर ही आ चुका है T900। यहाँ पर हम टैप करेंगे तो गाइस इसमें 4 स्टेप्स हैं, सारे कंप्लीट होंगे। इसमें टाइम सेट हो जाएगा, वेदर सेट हो जाएगा, सारी चीज़ें आपके मोबाइल से ही सेट हो जाएंगी वॉच में। अभी ये कंप्लीट हो चुकी है, एंड अगर हम होम पर आते हैं तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ये देखिए। बाकी इसमें गए जो सेंसर सारे फेक है, तो कोई मतलब नहीं बनता है सब चीज़ों का। बाकी प्रोफाइल में हम लॉगिन भी कर सकते हैं जाके, सेट पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर फाइंड का इस पर टाइप करेंगे तो वॉच वाइब्रेट होगी, अगर मिल नहीं रही तो हम ढूंढ सकते। इसमें एक और फीचर है रेस टू वेक का, इसको अगर हम ऑन कर देंगे तो ये काफ़ी अच्छा मुझे फीचर लगता है, फिलहाल इसको हम इनेबल कर देते हैं। बाकी अगर आप कहीं बिजी हो तो अगर आप टैप नहीं करना चाहते उसे तो हल्का सा मूव करेंगे तो इसमें लाइट ऑन हो जाएगी जिससे कि आप टाइम देख सकते हैं। रिमोट शटर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलाउ करेंगे, यहाँ से हम पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। स्टार्ट पर टैप करेंगे तो यहाँ से पिक्चर क्लिक हो जाएगी एंड ये गाइस गैलरी में भी सेव हो जाती है। बाकी और भी इसमें काफ़ी फीचर है जैसे मैसेज पुश का, जिनकी नोटिफिकेशन आपको अपने स्मार्ट वॉच पर चाहिए उन्हें यहाँ से इनेबल कर दीजिए तो जो मैसेज हैं वो स्मार्ट वॉच पर आएंगे, बाकी आप रिप्लाई नहीं कर सकते बट रीड कर सकते मैसेज को। एंड बाकी डायल सेटिंग्स पर हम क्लिक करेंगे तो इसमें काफ़ी हमें वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं, लाइव वॉच फेसेस भी हैं इसमें जो कि हम चेंज कर सकते हैं। बाकी हम कस्टम वॉलपेपर भी सेट करके दिखाएंगे, मतलब कि अपने गैलरी की इमेज भी। तो पहले हम एक ऐसे टेस्ट कर लेते हैं गाइस कि इसमें कैसे सेट करना है। इसे एडिट पर क्लिक करेंगे तो इसमें गाइस काफ़ी टाइम लगता है तो हमें स्किप करना पड़ेगा। तो गाइस ये वॉच फेस सेट हो चुका है, इस टाइप से आप कोई भी वॉच फेस सेट कर सकते हैं। और अगर आप खुद का वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो आप कस्टम डायल पर क्लिक करें, सबसे नीचे आपको मिलेगा कस्टम डायल, यहाँ पर सेलेक्ट इमेज पर टैप करेंगे और यहाँ से कोई भी आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं गैलरी से। एंड यहाँ पर आप टाइम भी सेट कर सकते हैं कहाँ पर आपको चाहिए, ये देखिए इस टाइप से। यहाँ से इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद सेम वही प्रोसेस होगा और इस टाइप से कुछ सेट हो जाएगा वॉच फेस। इस टाइप से आप कोई भी वॉच फेस अपनी गैलरी से सेट कर सकते हैं। इससे हम कॉल भी कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं जब ब्लूटूथ से कनेक्ट होगी वॉच तब। तो कॉल करने के लिए बस आप डायल कर दीजिए एंड कॉल करके देखते हैं। सो गाइस सेम कॉल भी कर सकते हैं एंड काफ़ी अच्छे तरीके से कॉल कर सकते हैं। इसमें हमें स्पीकर भी मिलता है तो गाइस में सॉन्ग प्ले करके देखते हैं। स्पीकर बहुत ही लाउड नहीं है बट एज अ मिनी स्पीकर काम कर रहा है तो ठीक है फिलहाल। तो इस वॉच को बाय करना चाहिए कि नहीं, देखिए वॉच तो काफ़ी अच्छी है एंड इसमें फीचर्स भी हमें काफ़ी देखने को मिलते हैं। प्राइस रेंज के हिसाब से बात करें प्राइस इसका 699 रुपीज़ है, 699 रुपए की वॉच है। एंड लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप डायरेक्टली इसे बाय कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर एंड।